आज हमारा रंगीलो राजकोट में अंतिम दिन है और आनंद भाई के साथ आज हम फिर दोबारा से मतलब दोबारा तिवारा चौबारा पता नहीं कितने बारा फूड एक्सप्लोर करने के लिए निकले हैं। तो आनंद भाई आज का क्या कार्यक्रम है? अभी हम नाश्ता करने आए हैं गणेश नमकीन में पोहा खाने के लिए। पोहा तो ऐसे कहते हैं मध्य प्रदेश महाराष्ट्र इस तरफ का, इसको इंदौरी पोहा ही बोलते हैं यहाँ पे। और कचौरी है वो भी वो इंदौर स्टाइल से यहाँ पे बनती है, काफ़ी फेमस है यहाँ पे निर्मला रोड, ये राजकोट का प्रीमियम एरिया है, ये काफ़ी फेमस है ये जगह। तो अपना पोहा लिया, हाँ, पोहा के ऊपर में नींबू स्प्रे किया, हाँ, उसके बाद डूंगरी डाला, हाँ, मतलब प्याज प्याज, उसके बाद सेव और बूंदी, सेव और हरा, हाँ, हाँ, नमकीन नमकीन। बढ़िया मीठा है और स्पाइसी भी, इसमें वो चीनी आता है और क्या वरियरी को आप क्या बोलते हैं, सॉफ्ट, हाँ सॉफ्ट है ना, थोड़ा वो आता है। देखिए पोहा का भी जो बनाने का तरीका है जगह जगह बदलता चला जाता है, कहीं पे मूंगफली डाल देते हैं, कहीं पे अनार दाना भी डालेंगे, कहीं पे कुछ और मतलब मसाला वसाला डाल के बनाते हैं, हर जगह का अपना स्पेशलिटी है। और गुजराती लोग हैं ना पोहा नहीं बोलते, पोहा बटेटा बोलते हैं, पोहा बटेटा, हाँ, हमारे घर पे इसमें वो बॉयल्ड आलू आता है, बॉयल्ड आलू, हाँ, बहुत जगह मटर भी डाल देते हैं, हाँ, पोहा बटेटा बोलते हैं हमारे घर पे, वो पोहा बटेटा बनता है, सिर्फ पोहा नहीं। सुबह सुबह पोहा इतना अच्छा लगता है खाने में, मतलब लाइट और हेल्दी ब्रेकफास्ट है। भाई दिल से चाय बनाते हैं, हाँ हाँ, और देख के लग रहा है मतलब यहाँ पे राजकोट में जितने भी चाय बनाने वाले हैं उनका दोनों हाथ से चाय बनती है, एक हाथ से पंप चलता है ये जो जिससे हवा आती है और जो कि कोयले को जलाने में मदद करता है, और दूसरे हाथ में चमचा होता है बहुत बड़े बड़ा साइज़ का और चाय को बिल्कुल पकाते रहते हैं, तसल्ली बख्श, इतना पकाते हैं कि चाय मतलब और ज़्यादा पकाई जाए तो रबड़ी बन जाएगी। ये मोरी चाय है? नहीं, ये चीनी वाली है, चीनी वाली रेगुलर मसालेदार, मसालेदार। बोलो ब्रो, हेलो ब्रो, ब्रो हमारा ब्रो, वाह, आपका दुकान का नाम शिव शक्ति से ब्रो टी स्टॉल, वो तो सही बात है ना, नेक्स्ट टाइम में वही रखूंगा, है ना, ब्रो टी स्टॉल अच्छा लगता है ना। ब्रो कितना चाय? एक चाय मीठा आपको ब्रो? एक चाय, एक चाय। ये तो हमारा मोरा चाय, मोरा मोरी 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 चाय। चलो ब्रो, थैंक यू ब्रो, वेलकम माय ब्रो, स्पेशली मसालेदार चाय, हाँ, ये अच्छी चाय है, इलायची वाली, हाँ, ब्रो तो ब्रो टी स्टॉल की चाय, आदमी अच्छा है, हाँ, आदमी राजकोट के सभी अच्छे मिले हुए, ये तो है। अच्छा ब्रो, ब्रो आओ जो, ब्रो आओ जो, चला जाए आनंद ब्रो, चलो।
आनंद भाई, ये आपका क्या नाम है? डोसा फ्राई। डोसा फ्राई, यस। मतलब ये डिश मैंने और कहीं देखी है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, मैं तो मतलब तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका सब जगह हो क्या हूँ, आंध्रा कहीं नहीं देखा। राजकोट वर्जन। हाँ, राजकोट वर्जन है, लेकिन एक डिश है तमिलनाडु में मैंने खाई थी, उसका नाम था कोटू पराठा। कोटू पराठा, ओके। तो पराठा बनाते हैं और पराठा में ग्रेवी डालते हैं और फिर ऐसे ही चॉप कर देते हैं। अच्छा, तो उससे थोड़ा मिलता जुलता वर्जन है। बस ये कि वो पराठा था, ये डोसा है। और वही डोसा, डोसा का मसाला, आलू का मसाला, जो आलू भी था वो चॉप था, मतलब ऐसा नहीं था कि उसको उबाल के मिक्स किया हुआ है, चॉप मसाला आलू का। और उसके बाद प्याज, टमाटर, फिर आपकी लहसुन की चटनी, वो तो राजकोट है तो होना ही है। और उसके बाद में फिर टमाटर की चटनी, वो मिला के अच्छे से, अमूल बटर। हाँ, अमूल बटर, आप भी शौकीन अमूल बटर के? यस। हैं, यस। उसके बाद उसको सेका और फिर कटाकट 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 चॉप कर दिया। साथ में ये सांभर है। हाँ, और ये कोकोनट चटनी। कोकोनट चटनी और ये टमाटर। हाँ, लेकिन एक बात है तो टेस्टी, थोड़ा सा क्रिस्पीनेस दब गया डोसा का, है ना, सॉफ्टनेस आ गया, सॉफ्टनेस आ गया, थोड़ी देर लगी ना। मिक्सचर अच्छा है, मुंह में डालते ही बटरी लग रहा है। हाँ, नया की चटनी डाल के खाते हैं एक बार। टमाटर चटनी, नया चटनी अच्छा है। अच्छा, इनके साथ सांभर चटनी की भी ज़रूरत नहीं लग रही है, ऐसे भी अच्छा लग रहा है। जो डिश है ये अपने में ही कंप्लीट है। कंप्लीट है, सांभर चटनी सब इसमें डाला हुआ है। हाँ, ये टोमेटो चटनी अच्छा था, ये चटपटा है और साथ में जो उसका टेक्सचर है वो ब्रेड की तरह है। बीच में इसमें आपको प्याज और टमाटर के चंक्स आते हैं और लहसुन का भी फ्लेवर है, साथ में जो टमाटर की चटनी डाली गई है उसका भी जायका है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम तमिलनाडु के रहने वाले हैं। यहाँ कैसे आए गुजरात? यहाँ से तो मेरा नाना आ गए 30-35 साल पहले। वो क्या करते थे? वो तो मजदूर करते थे काम। अच्छा, और ये आपने 5 साल पहले शुरू किया? हाँ, इधर 5 साल पहले शुरू। तो आपने किससे सीखा ये सब बनाना? मैं तो छोटा था जब से इसमें ही था। कहाँ पे पहले, कहाँ पे करते? पहले प्लस रोड ऊपर था, जॉब करते थे प्लस रोड ऊपर, आशापुरम दूसरी जगह, वहाँ पे साउथ इंडियन था। छोटे से इसमें था, 9 साल का था जब से इसमें हूँ। बचपन से इसमें। अच्छा लगता है यहाँ पे काम करना, जो कस्टमर्स आते हैं सब संतुष्ट होकर जाते हैं। तो आपका टाइमिंग सिर्फ मॉर्निंग में क्यों है, शाम में क्यों नहीं लगाते? नहीं, मॉर्निंग में ऐसा है कि सुबह नाश्ते में ज़्यादा करते हैं यहाँ पे लोग। पहले से इधर राजकोट में पहले इतना डोसा का नहीं था, मैं जब चालू किया था, अभी सब चालू हो गया। अब तो बहुत बड़ा बड़ा फूड जॉइंट्स देखा है मैंने यहाँ पे, एक्सोटिक फ्लेवर सब डोसा, पता नहीं कहाँ वो सब शाम को ही था, अभी तो सुबह से चालू हो गया सब। अभी तो पहले क्या मेंदू वड़ा, इडली, दाल वड़ा यही मिलता था सुबह नाश्ते में, यही मिलता था। अभी डोसा सब आइटम सब मिलता है। अच्छा लगा, मैंने अपना डोसा खाया अभी, जो मैं इनको कह रहा था, जो तमिलनाडु में कोतू पराठा मिलता है, उससे इंस्पायर्ड है लगता है ना। और अच्छा लगा मुझे काफ़ी कि आप, मतलब जो आपका पूरा अरेंजमेंट है वो बहुत साफ सफाई से है। हमारा सुबह 7:30 बजे दाल वड़ा, मेंदू वड़ा, इडली 10 बजे ख़त्म हो जाता है। 10 बजे टाइमिंग ऐसे है, 10 बजे पूरा, 2 बजे तक डोसा चलता है। तो ये तो आपकी वाइफ है जो मेरा वाइफ है और वो मेरा मम्मी है। अच्छा, क्या बात है, पूरा परिवार, फैमिली, फैमिली रन रेस्टोरेंट है। यस, क्या बात। अच्छा वेंकटेश भाई, थैंक यू, मिलते हैं। आपके पास क्या क्या है? ये है इडली, इडली है जो हमारा वो राइस का ही बनता है, जो रेगुलर इडली वही इडली वाला है। ये उसमें बीच में चटनी लगाते हैं, कोथमरी, कोरिएंडर और मिर्ची की चटनी होती है, वही इडली है। वही इसमें सेम ऐसा वाला है, सैंडविच बन जाता है। हाँ, सैंडविच बन जाता है, सैंडविच इडली जिसको बोलते हैं वो वाला है। ये खांडवी रहता है, ये सब बेसन में से बनता है। हमारा सब आइटम यहाँ पे बेसन में से ही रहता है। ये चावल का? हाँ, ये चावल का रहेगा सिर्फ, बाकी सब बेसन में से रहेगा। ये है पात्रा है, ये जो बड़ा अरवी का बड़ा पान आता ना, जो बनाना लीफ टाइप का आता है, अरवी का पत्ता। हाँ, अरवी का पत्ता उसमें से बनता है। ये मीठा वाला रहेगा और ये खट्टा वाला रहेगा, इमली का रस होता है।
रसपात्रा बोलते हैं इसको, इसमें तिल डाले हैं, तिल थोड़ा सा तेल होता है, बाकी सब रस होता है पूरा। नहीं, तिल तिल हाँ तिल होता है, तिल तिल होता है, सफेद व्हाइट तिल होता है। स्टीम करके बनाते हैं ना वो, पहले उसको बाफ बनाते हैं स्टीम करके, बाद में उसको फ्राई करते हैं उसमें। ये हमारा कमन ढोकला है, दो टाइप का। ये है, ये चना दाल का होता है पूरा, चना दाल भिगो के उसको रॉ मटेरियल में उसको आथा बना, आथा आता जो बेटर बोलते हैं उसको, वो बना के उसके बाद बनता है। ये 24 घंटे लगते हैं इसको बनाने में पूरा। हाँ, ये खमन बनाने में 24 घंटे लगते हैं। ये उसमें स्पाइसी वाला ढोकला है, और ये हमारी स्पेशलिटी है सेव खमनी है, और ये हमारी दूसरी स्पेशलिटी दही खमन है। दही खमन स्वीट रहता है, दही वाला जैसा स्वीट टेस्ट में रहता है। तो काफ़ी आइटम्स हैं लगता है, नौ आइटम्स है ऑलमोस्ट, सभी चीज़ें मैंने ट्राई की हुई है, ये ट्राई नहीं किया। हाँ, ये आपको कहीं मिलेगा भी नहीं पूरा राजकोट में, उसकी मेरी गारंटी है। तो ये ट्राई करेंगे। हाँ, और ये ट्राई नहीं किया रस वाला पात्रा। ये ढोकला में दही है, लाल मिर्च और धनिया पाउडर होता है, धनिया का पाउडर आता है जो चूरा वाला, वो बिल्कुल वही वो भी होता है इसमें। खमन ढोकला है, स्वीट दही रहेगा पूरा घाटा। वाह, दही मीठी है, हल्का लाल मिर्च का तीखा क्रंचीनेस है, और साथ में जो ढोकला है वो सॉफ्ट है, स्पॉन्जी। पहले रस टेस्ट करते हैं, और रस का ही टेस्ट है इसमें, पात्रा तो वो वाला बड़े वाह खट्टा है, इमली का होता है, इमली होता है, इमली और गुड़ डाला। हाँ, इमली है ना, गुड़ का फ्लेवर भी है उसको बनाते हैं। वही है, अरबी का पत्ता लिया, बेसन लगाया उसमें, उसको स्टीम करने भेज देते हैं, स्टीम किया, कटिंग किया, फिर फ्राई किया, उसके रस में डाल दिया। ये सीधा रस में जाता है, इसमें अलग से वगार होता है। मुझे बहुत पसंद है पात्रा, और एक बात है ना, इसमें पात्रा में हमेशा खट्टापन होना चाहिए, वरना गले में खिचखिचाहट होती है आपकी, खुजली होती है, तो इसलिए इसको खट्टे में डिप किया हुआ इमली में, उससे इसकी वो मिट जाती है खिचखिचाहट। ये आपका गुजराती थाली है? हाँ, ये मैक्सिमम गुजराती और राजस्थानी टच मिलेगा आपको, और चार टाइप की सब्जी होती है रोज़, उसमें से एक पनीर होती है, काफ़ी बार बच्चे आ गए या कोई यंगस्टर्स आ गए तो एक पनीर एक पंजाबी स्टाइल में होता है, बाकी सब गुजराती स्टाइल में। ये पंजाबी डिश का क्या चक्कर है? पंजाबी डिश में बहुत जगह देखा है, यहाँ पर राजकोट में लिखा होता है पंजाबी डिश, मतलब किसको पंजाबी मानते हैं? पंजाबी यानी सोच में ऐसा ही है कि एक पनीर का सब्जी है वो पंजाबी है। बाकी मैं खुद आई वुड इन माई होटल मैनेजमेंट फ्रॉम स्विट्जरलैंड, और मेरे भी काफ़ी ग्रुप है दिल्ली में, और पर ये काठियावाड़ी पंजाबी बोलते हैं, जैसे इंडियन चाइनीज़ है, तो ये काठियावाड़ी पंजाबी है। इसे बता सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं? ये कचुम्बर है, ये एक पिकल है गुजराती स्टाइल में, ये एक रेडीमेड पिकल है, ये चटनी है लहसुन की, ये इमली की चटनी है, ग्रीन चटनी है, सैलड है, दो टाइप की दाल है पंजाबी और राजस्थानी, गुजराती कढ़ी है, फिर एक सीजनल वेजिटेबल होता है, आज जैसे हमने भरेला रिंगड़ा ऑनियन किया है, एक पनीर जैसे हमारी बात होगी, एक आलू का सब्जी होता है पोटैटो, और एक कठोल होता है जैसे मूंग हो गया, मठ हो गया, मसूर हो गया, दो टाइप की स्वीट होती है, एक लिक्विड या कोल्ड बेस में होती है, और एक पूरन पूरी हमारा हाईलाइट है, ट्रेडमार्क है, पूरन पूरी होती है घी में, आप देख सकते हो, रोटी और पूरी होती है, और एक स्पेशल सरप्राइज रोटी हम रोज़ रखते हैं, आज बीट की रोटी है, बीट फ्लेवर है, ये चाट हो गया दाल राइस है, और लास्ट में नीचे वेटिंग में आपको पान और एक स्पेशल सरप्राइज मिलेगी, आज हमारा ये वाइट चॉकलेट शॉट्स है। सही है, तो अब वी आर वेरी ग्लैड टू हैव यू हियर। थैंक यू सर, थैंक यू, एंड वाज आई एम आल्सो फॉलोइंग यू सिंस मेनी इयर्स। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, प्लीज एंजॉय योर। आप भी आएंगे हमारे साथ खाने में? आज तो थोड़ा प्रायोरिटी है, थोड़ी वाइफ ने थोड़ा बाकी डांट पड़ेगी, ऐसा स्पेशल डिश बनाया है।
पंजाबी नहीं है। आप लोग क्या बोलते हैं जिमना को जब बोलते हैं ऐसे कि राजस्थानी में चलो जिमते हैं मतलब खाते हैं? गुजराती में चलो जम्बा। चलिए आइए। जब तक थाली में सामान आएगा मैं पूरन पोली खा लेता हूँ। क्या बात है, बहुत ही उम्दा। मतलब राजकोट में सबसे टेस्टी चीज़ जो मैंने खाई है ना सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आई है वो पूरन पोली है। एकदम गरम गरम फ्रेश, हाँ, और घी में डूबा हुआ, अंदर में तुअर की दाल और गुड़ और साथ में घी से लबालब, बहुत शानदार है। अच्छा एक सौंधापन भी है इसमें, ऊपर से जो इसकी केसिंग है गेहूं के आटे की वो क्रिस्प है। हाँ चना चाट दे दीजिए। चाट से शुरुआत होगी। वाह, काला चना, आलू, पापड़ी, मेलन सेब और खट्टी मीठी चटनी, चना चाट, आलू चना पापड़ी चाट, एक है ढोकला, ये क्या है मैसूर मसाला, सूखी भाजी, सूखी आलू भाजी, पनीर बटर मसाला, करेला रिंगन कांदा, करेला रिंगन। वाह यहाँ पे मुझे अच्छा लगा, इसको इन्होंने पंजाबी डिश नहीं बोला है, मटर पनीर बोला है, दाल गुजराती पंजाबी। अरे और देखिए इसमें पनीर भी है। अभी तो मैं बात कर रहा था कि आपने पंजाबी नहीं बोला, आपने पंजाबी दाल पंजाबी कौन सी होती है? दाल फ्राई। क्या है श्रीखंड? हाँ मैं लूँगा श्रीखंड। गुजरात में है ना मीठा, आप पहले खा रहे हो? अच्छा पहले खाते हैं, फिर तो ठीक कर रहा हूँ। पूरी श्रीखंड भी साथ में खाते हैं ना? हाँ श्रीखंड पूरी। फूली हुई एकदम गरम है, गरम गरम, और इसको खाते हैं गुलाब श्रीखंड के साथ। वो भी ड्राइफ्रूट वाला है, गुलाब का सटल फ्लेवर है और श्रीखंड जो अपना हंग कर्ड होता है वो है ये। मिठास भी ज़्यादा तेज नहीं है, बहुत शानदार। ये जो पिंक कलर की रोटी है वो गेहूं के आटे के डो में आपका बीट रूट मिलाया गया है उस कारण से, और ऊपर में घी। इसको खाते हैं पंजाबी दाल के साथ, रिंगन के साथ, रिंगड़ा डूंगड़ी जो है ना, रिंगड़ा डूंगड़ी, बरेला रिंगड़ा ना डूंगड़ी। अब थोड़ा मटर पनीर लिया जाए। क्या क्रीमी टेक्सचर है इसका पनीर और मटर का, मसालेदार। रोटी और सूखी भाजी, सूखी भाजी, ये मज़ा आएगा पूरी के साथ खाने में। अच्छा पूरी मंगवाते हैं? हाँ पूरी और सूखी भाजी। एक्सक्यूज मी पूरी गुजराती कड़ी, इतना मीठा भी नहीं है, स्पाइसी भी है थोड़ा, इसमें घी का तड़का लगा। एक पूरी दे दीजिए। बस मतलब हाइजीनिक, टेस्टी और अलग अलग फ्लेवर्स, टेक्सचर सभी कुछ है यहाँ पे, थोड़ा डिफरेंट मेनू भी देखा है। ये जो थाली है ये गुजराती भी है, पंजाबी भी है, राजस्थानी भी है,
गुजराती के साथ साथ काठियावाड़ी भी है। काठियावाड़ी भी है, हाँ थोड़ा ऐसी बस थोड़ी सी पंजाबी थोड़ी सी गुजराती। ये कौन सी है? गुजराती। हाँ गुजराती है। अच्छा ऐसे मूँगफली आ जाती है, देखो मूँगफली का दाना थोड़ा इधर पंजाबी डाल दीजिए, देखते हैं। जो गुजराती डाल है उसमें सींग दाना है, मूँगफली है, हल्की मीठी है। ये मसाला पान है लॉन्ग से, इसको पैक किया हुआ है। लॉन्ग लॉन्ग हाँ हाँ। ये नींबू जूस है, हाँ। और नींबू को नींबू बोलते हैं, और बनाने का तरीका काफ़ी अनोखा था। और कलर देखा आपने, वो गन्ने का जूस जैसा लगता, हाँ, है। हाँ वैसा ही लग रहा है। तो इसमें ऐसे ही किया है कि नींबू को काट के, हाँ, डाल दिया मिक्सर में, मिक्सर में डाल दिया। उसके बाद भुना जीरा, हाँ, संचर मतलब काला नमक डाला, नमक डाल के इसको मिक्स कर दिया पानी के साथ। सोडा में बना सकते हैं, हाँ सोडा में बना सकते हैं। बन गया नींबू जूस। बहुत रिफ्रेशिंग है, गर्मियों में अमृत है, अमृत है। छाछ सोडा दही और मसालों से युक्त और सोडा के साथ में ये मुझे ड्रिंक बहुत अच्छी लगी राजकोट में, है ना। अरे मैं बनाने वाला हूँ सोडा की बॉटल, और घर पे दही और भुना जीरा, काला नमक, काली मिर्च डाल के। हाँ सर, आपका नाम क्या है? राम पंड्या। और कब से आपका ये राजेश चिक्की ब्रांड? राजेश चिक्की लगभग 45 इयर्स हो गए हैं इसको। आई एम द थर्ड जनरेशन, तो ये मेरे दादाजी ने स्टार्ट किया था, मिस्टर सदाशंकर पंड्या ने। शुरुआत हुई थी पहले नमकीन से, गाठिया वगैरह जो राजकोट का फेमस है, फाफड़ा गाठिया वगैरह सब। उसके बाद धीरे धीरे करके चिक्की लाइन में आए, फिर अभी तो चिक्की में भी 15-20 वैरायटी है, उसके अलावा शुगरलेस स्वीट्स में 10-15 वैरायटीज़ रहता है। देखिए ये जो हमारा स्पेशलिटी है वो स्पेशल शिंग का चिक्की, मूँगफली जिसको बोलते हैं, दाना क्रश करके 3-4 बार रोस्ट होता है। और ये चिक्की सोमनाथ मंदिर जो ज्योतिर्लिंग है वेरावल सोमनाथ में, वहाँ पे एज अ प्रसाद जाता है, मिलता है। वहाँ आप जाएंगे, हाँ वो हमारे यहाँ बनता है। हमारा पूरा प्रोडक्शन मेटोड़ा GIDC, यहाँ का जो GIDC यूनिट है इंडस्ट्रियल, उधर प्रोडक्शन होता है। और लगभग देखिए तो सावन जो महीना होता है उसमें डेली का 1500-2000 किलो हो जाता है वहाँ पे सोमनाथ मंदिर में। ये तिल वाला है? ये तिल वाला, ये जो नॉर्मल मूंगफली वाला, नॉर्थ के साइड गजक बोलते हैं, जो एक गजक है। इसमें तिल नहीं है? तिल नहीं, ये पूरा मूंगफली को एकदम पीस पीस के गुड़ के साथ, हाँ। तो इसमें शुगर आएगा? नहीं नहीं नहीं, टोटली जैगरी, जितनी भी वैरायटीज आप देख रहे हैं या तो गुड़ की है या टोटली शुगरलेस है। ये वाली, ये इसी में चॉकलेट फ्लेवर में, ये एक पीस में मूंगफली, तिल, कोकोनट और राजगीरा जो किनोवा सीड्स टाइप का बोलते हैं वो, ये खास फलहारी चिक्की है। ये वही हुआ जो सोमनाथ वाला, हाँ, ये ब्लैक तिल का, हाँ। इधर वाला ये पिछले 2 साल से हमने बहुत एक हिट जो चीज़ वो बनाया है, चॉकलेट पीनट ब्रिटल,
मूंगफली, काजू, बटर स्कॉच, आलमंड और चॉकलेट, बेस पूरा चॉकलेट का रहेगा, ना शक्कर ना गुड़, पूरा चॉकलेट से बनता है। ये सब शुगरलेस बाइट्स है, नेचुरल स्वीटनेस। खजूर, खजूर से, हाँ, खजूर हनी के साथ ड्राई फ्रूट, ये अंजीर के साथ ड्राई फ्रूट, और ये खजूर गुलकंद के साथ ड्राई फ्रूट। तो बीच वाला, और ये जो पायोनियर बोलते हैं शुगरलेस स्वीट्स का, ये इससे चालू हुआ था, खजूर पूरी से। 35 ईयर्स पहले मेरे दादाजी ने ये शुरुआत किया था। इसका खजूर ड्राई फ्रूट रहे, काजू बादाम पिस्ता, उसको देसी घी में फ्राई करते हैं और फिर खजूर के साथ मिक्स करके बनता है। इसमें भी ना शक्कर पड़ेगा ना गुड़ पड़ेगा। देखिए तो सीज़न का स्टार्टिंग है, इसलिए थोड़ा कम वेराइटीज़ है। आप अगर विंटर्स में आएंगे, दिसंबर जनवरी, वो हमारा पीक सीज़न रहता है, तो उसमें आप देखेंगे तो 45 to 50 वेराइटीज़ आपको मिलेगा। चिक्की आ गया, फिर शुगरलेस स्वीट्स आ गया, फिर इधर गुजरात में फेमस है अड़दिया बोलते हैं उसको, गर्म मसाले से और अड़द के लोट से बनता है, वो भी बहुत चलता है, तो वो बनाते हैं। एक तो रहता क्या है कि अभी का जो है कि पूरा हैक्टिक स्केड्यूल रहता है, तो आप एक पीस ये खा जाएंगे तो 2-3 घंटे तक आपका निकल जाएगा। सो यू विल बी कंटेंटेड फॉर लाइक 2-3 आवर्स। जैसे आजकल वो आता है आपका प्रोटीन बार, प्रोटीन बार, एनर्जी बार है, दिस इज द ट्रेडिशनल फॉर्म, वही एनर्जी बार जो बोलते हैं। यस, ये अपना ट्रेडिशनल एनर्जी बार है, ट्रेडिशनल एनर्जी बार है। ये खजूर मतलब डेट्स और ड्राई फ्रूट्स, डेट्स और ड्राई फ्रूट्स और देसी घी। ये शुगर फ्री है, उसमें बिल्कुल भी चीनी नहीं है, नहीं। जो मिठास है वो खजूर की है, डेट्स की है, और साथ में ड्राई फ्रूट्स हैं, काजू बादाम पिस्ता। नेक्स्ट अब ये जो सोमनाथ में जाता है वो ट्राई करते हैं। दर्शन तो करने गए नहीं, प्रसाद जरूर खा रहे हैं। तो नारियल को बिल्कुल क्रश कर देते हैं एकदम। कोई कोई कस्टमर इसका नाम नहीं बोल सकते तो उधर आके बोलते हैं कि जो बिना दांत वाले भी खा सकते, वो कौन सा चिक्की है, वो खिलाइए, तो ये वो वाला है। वाह, हाइजीन के लिए जो छोटे बच्चों को देते हैं तो ये मूंगफली अच्छी रहती है। बहुत टेस्टी है, मेरा फेवरेट है। हां, मेरा अभी तक तो 3 ट्राई किया, उसमें से फेवरेट यही है। वो चॉकलेट है, ये तो प्रसाद वाला ही हो गया, ऑलमोस्ट सेम है। अभी ये वाला ट्राई करते हैं, कोकोनट चॉकलेट ब्रिटल। ये चॉकलेट ब्रिटल, मूंगफली और चॉकलेट, वाह, ये तो जैसे आपका चॉकलेट नाम दिया आपने, जैसे चॉकलेट साथ फेरेरो रोशर, हाँ, उसके जैसा क्रंचीनेस बीच में जो आ रहा है, पीनट्स का आ रहा है और साथ में चॉकलेट, हाँ, वाह। सबसे अच्छी बात लगी कि जो भी मिठाई में आपकी मिठास है वो बैलेंस, बहुत ही बैलेंस, बहुत बैलेंस है, मतलब ओवर स्वीट नहीं है। और आजकल की जो जनता है वो यही मांगती है, ये अपना जो एनर्जी बार होता है वो है, जो आजकल पैकेजिंग के साथ में मिलता है, बट ये ज़्यादा अच्छा है उससे, ये ज़्यादा अच्छा है, ये अंजीर के साथ। इसमें साबुत ड्राई फ्रूट्स है, टुकड़े नहीं है। और अब ये अपना क्लासिक वाला है, मूंगफली चिक्की और सदाबहार, सदाबहार, और ये मूंगफली चिक्की, इसको मूंगफली पट्टी भी कहते हैं बहुत जगहों पे। ये तो है ऑल टाइम फेवरेट। अब काले तिल की, ये जो काले तिल की आपकी चिक्की है, ये खाते हैं, मुझे अपने बिहार की याद आ गई। अच्छा, वहाँ पे इसके लड्डू बनाते हैं और खासकर मकर संक्रांति के समय खाया जाता है। यहाँ पे भी सेम है, सेम है, कलेक्शन है बिहार गुजरात का। बहुत अच्छा लगा, सभी के सभी जो भी हमने यहाँ पे आपके चिक्की ट्राई की, सभी खाने में लाजवाब है, सभी के सभी उम्दा है। और एक पिक करना मेरे लिए मुश्किल है, जो सबसे ज़्यादा पसंद आया, सभी का ही जो फ्लेवर्स है अलग है। इधर का क्या है, जो गुजरात और स्पेशली सौराष्ट्र का जो क्लाइमेट है वो ड्राई है, तो चिक्की के लिए बहुत ही माफिक है। इधर का एक और स्पेशलिटी, खाली मेरा नहीं बोल रहा हूँ, पूरे राजकोट का बोल रहा हूँ, कि ग्लूकोज का इस्तेमाल नहीं होता है। आप लोनावला साइड जाएंगे तो उधर ग्लूकोज का, क्योंकि ह्यूमिड वो पूरा है, वेदर है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहता है, इसलिए बाई डिफ़ॉल्ट उनको ग्लूकोज यूज़ करना पड़े। इसमें ग्लूकोज का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एकदम ड्राई क्लाइमेट, प्लस विंटर्स आएगा तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं। तो ये जो पूरा जो क्रंच देखेंगे आप,
टोटली जो इसका बेस इंग्रेडिएंट है, जैसे या तो गुड़ हुआ, विंटर्स में रहेंगे तो शुगर रहेगा, तो पूरा उसका ही क्रंच रहेगा। तो आप कह रहे हैं कि यहाँ का जो आबो हवा है, हाँ, वो इसको सपोर्ट करता है। यस एग्जैक्टली। चलिए सर, थैंक यू। ओके, फिर मिलेंगे बिल्कुल, जब मौका लगे दोबारा फिर आएंगे। हाँ भैया, कहाँ आ गए हम? अभी हम आए रिद्धि सिद्धि फार्म में, जो रिंग रोड में किशनपरा चौक के पास में आता है। और यहाँ की स्पेशलिटी है, पूरे राजकोट में एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको हेल्दी खाना और जूसेस वगैरह मिलेगा। मेन तो यहाँ पे ये जगह स्वीट कॉर्न के लिए ज़्यादा फेमस है। स्वीट कॉर्न जो सूप रहता है वो यहाँ पे ज़्यादातर लोग खाने के लिए, पीने के लिए आते हैं। इनका जो फार्म है, फार्म से रेगुलर वहाँ से मकई यहाँ पे आती है ना। और आप पीछे देख सकते हैं कि वहाँ पे वो भी काम चल रहा है। गर्म होगा एकदम, बहुत सही है। भैया पूरा लिक्विड ना, कोई ब्रश कर दिया? कौन कोई ब्रश कर दिया? कैप्सिकम है, मकई के दाने हैं, वो भी मुंह में आते हैं। तो ये जो उसका मकई को क्रश होकर बनाते हैं, पीस देते हैं पूरा? पीस देते पूरा। उसकी खासियत क्या है इनको? मैं आपको दिखा दूँ उसकी खासियत। कस्टमर शाम को और सुबह को ज़्यादातर लोग हैं हमारे फार्म का ही फ्रेश आज का, या सही में आपको मज़ा आ जाएगा, देख लो। वाह, मोटी जैसे दाने। ये दाना अभी खाए, ये कच्चा आपको कच्चा नहीं लगेगा। और इसमें मिठास देखिए आप, एक बाइट लीजिए। एक बाइट खाओ, मज़ा आएगा। मुझे भी अजीब लगा था पहले, ये हमारी खासियत है। लगा कच्चा? एक साल का बच्चा भी खा सकते हैं उसको, तो कुछ नहीं होता, पेट में भी जैसे दर्द नहीं होता है। क्या मीठा है सर ये? कैसे है मतलब ये? हमारा खेत का ही नहीं, ये पूरा फ्रेश ही है। इतनी मिठास है इसमें। हाँ, ये फ्रेश है इसलिए जूसी। हाँ, जूसी है। हाँ, 100% ऑर्गेनिक है। हमारे खेत का 22 साल पहले हमने किया था शुरू, छोटी लारी से शुरू। आज अपना वो बड़ा खेत है, ये दुकान है, और तब से इसकी मकई की सिंगली, मकई का पिज्ज़ा भी हम लोग बनाते हैं। इसकी सिंगली आप एक बार खाओगे ना खुश हो जाओगे। नहीं नहीं, वो समझ नहीं आई, हाइब्रिड वैरायटी है क्या? नहीं, हाइब्रिड वैरायटी ये। हाँ अच्छा, लेकिन इसमें जो इतना स्वीटनेस होता है, नेचुरल स्वीटनेस, इसलिए तो इसको स्वीट कॉर्न बोलते हैं ना। वो देसी है ना, देसी आपने ऐसे इस तरह से नहीं खा सकता, और उसमें इतना स्वाद भी नहीं रहता। एक ही खा सकते हैं थोड़ा देसी वाला, ये आप एक दो तीन खा सकते हैं, कुछ नहीं होता है। तो आपके पास सालों भर आता है? सालों पर। कोल्ड प्रेस अनार का जूस, फुल ऑन न्यूट्रिशियस और नेचुरल, बहुत सारा काम कर रहा है। मतलब लोगों को ऑर्गेनिक फूड खिलाना, इसमें कि केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं होता है, जैविक खाद्य यही बोलते हैं ना, ऑर्गेनिक फूड। और ऐसा माहौल है आज की डेट में कि जहाँ भी सतिया जो खाएं उसमें कुछ ना कुछ केमिकल का इस्तेमाल होता है, तो अच्छी चीज़ है। ऐसे और भी आपके ऐसे एंटरप्रेन्योर होने चाहिए जो ये काम करें, है ना। चलिए, बेस्ट विशेस। वाह, गरम मशीन में ही बनाते हैं उधर। गुलाब जामुन? हाँ, गुलाब जामुन मशीन में ही बनता है। तो यहाँ पे कैसे बनता है, क्या स्टेप बताएंगे? चालू करना बेटा, मशीन चालू करो। वो मावा है? हाँ, मावा है। मावा और जो तपकी आती है उसको मिक्स करके इसमें मशीन में डालते हैं, तो डायरेक्ट गोल होकर निकल जाता है। उसके अलावा इसके और जो ट्रे भर गए वो डायरेक्ट ट्रे उसमें डालेंगे, वो ऑटोमेटिक उसमें फ्राई हो जाता है। हाँ, फ्राई हो जाता है। उसके चाशनी में डुबो देते हैं? चाशनी में डुबो देते हैं। यहाँ बासुंदी बन रहा है? हाँ, बासुंदी बन रहा है।
तो बासुंदी में क्या क्या चीज़ें जाती हैं? बासुंदी में दूध और शक्कर, इसके बाद ये बासुंदी रबड़ी बन गई। उसके बाद जितने फ्लेवर हमको करनी है उसको निकालने के बाद फ्लेवर हम सब ऐड करते हैं। केसर है, बटर स्कॉच है, वेनीला है, फ्लेवर सब उसके बाद ऐड करते हैं। और दूध किसका होता है, गाय का भैंस का? बंगाली जो बनाते हैं हम रसगुल्ला, बंगाली स्वीट जो बोलते हैं, वो गाय के दूध से बनती है, ये सब भैंस के दूध से बनती है। क्योंकि बंगाली भैंस के दूध की कड़क हो जाती है, उससे बंगाली नहीं बनेंगे। गाय के दूध के ओनली फॉर जो गाय का दूध आता है हमारे इधर, वो ओनली फॉर बंगाली स्वीट के लिए, रसगुल्ला उसके और भी कई आइटम बनाते हैं हम उसके लिए, ये सब भैंस के दूध के। अपने आप मशीन में पक रहा है, दूध डाल दिया, चीनी डाल दिया, चीनी भी, चीनी भी डाल दिया। कितने क्वांटिटी दूध में कितना चीनी डालते हैं? 30 लीटर में 3 किलो और 10 लीटर में 1 किलो। अब कितने देर तक पकेगा ये? 15 मिनट। 15 मिनट तैयार हो जाएगा। यही थाबड़ी है? हाँ यही थाबड़ी है। सिर्फ दूध, चीनी और घी? घी, इसके अलावा और कुछ नहीं। हाँ, इसका टेक्सचर तो देख के वही लग रहा है डोडा जैसा ही। हाँ, डोडा मिल्क के बनाते हैं, वही इसी टाइप का, बट बिना फिटकरी के। हाँ, बिना फिटकरी, क्योंकि दूध जो आपका फुल फैट वाला है। फुल फैट वाला है, 6.5 पेट का दूध होता है। इसे पकाते पकाते इस तरह का कलर हो जाता है ऑटोमेटिक। घी डालेंगे तो ब्राउन होती जाएगी, जैसे हम गर्म करते जाएंगे वो ब्राउन होती जाएगी। पकता है? पकता है। थाबड़ी? हाँ थाबड़ी, उसको थाबड़ी बोल रहे हैं। सबसे प्रख्यात जो आप बोल रहे हैं यही है राजकोट के अंदर, सबसे ज़्यादा यही। तो राजकोट का पेंडा हो गया, थाबड़ी हो गई, काजू की मिठाइयाँ, काजू की मिठाइयाँ, बंगाली स्वीट भी काफ़ी चलने लगी है। और बासुंदी तो कर चलिए, आप हमें बासुंदी टेस्ट कराइए। हाँ ओके, आइए। तो ये शिव शक्ति डेयरी फार्म 1984 से राजकोट में है और लगभग 900 प्लस वैरायटीज़ की मिठाइयाँ यहाँ पे मिलती है। मतलब बासुंदी की फ्लेवर्स बता रहे हैं वो करीब 100 से ऊपर है। आपको सीताफल मिलेगी, फिर बाद में वेलिना मिलती है, बहुत सारी लिए दिखती है। रस भरी बासुंदी में, ये लोग यहाँ पे अंगूर रबड़ी, अंगूर रबड़ी, ये है सीताफल बासुंदी और रेड वेलवेट, ऊपर से ड्राई फ्रूट्स, ये थाबड़ी, चोको पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा टाइप की भी है। हाँ, पिज़्ज़ा की शेप में ना ये, इसको ऐसे जोड़ लो आप तो ये पिज़्ज़ा बन जाएगा ऐसे। तो चोको पिज़्ज़ा का जो फेमस है वो है ये थाबड़ी। थाबड़ी ये सीताफल बासुंदी है, सीताफल बोले तो शरीफा जो कस्टर्ड एप्पल होता है वो है, और बासुंदी और रबड़ी थोड़ी मिलती जुलती है। बस फ़र्क कितना है कि जो रबड़ी होती है वो और इससे गाढ़ी होती है और दानेदार भी होती है, लच्छेदार भी होती है। जो बासुंदी है इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा स्मूथ होता है और उससे थोड़ा कम गाढ़ी होती है ये रबड़ी से। जो मैंने खाई है आज तक सिर्फ प्लेन खाई है, तो ये अलग अलग फ्लेवर्स कभी देखे नहीं मैंने। वाह, ओके, बहुत शानदार, बहुत ही उम्दा। ये प्लेन बासुंदी एकदम क्रीमी। इसमें दूध और शक्कर के अलावा और कुछ नहीं। ये तो खाते रहते हैं जो लोग बचपन में मिल्क मेड खाते थे ना, जब घर पे टिन आती थी वो पीते थे, मतलब चम्मच आए खाते थे, वैसे ही टेक्सचर है। टेस्ट ये वाली लच्छे वाली है। हाँ लच्छे वाली, जो ठंडाई बोलते हैं, ठंडाई रबड़ी, ठंडाई रबड़ी। लाजवाब, जो ठंडाई में आपका इलायची, हाँ हल्का केसर, मावे का, केसर मावे का, उसका जायका है। ये आपका रेड वेलवेट रबड़ी, रेड वेलवेट। चेरी आती है, जो चेरी और रोस्ट करके काजू डालते हैं और ब्राउनी। वाह, ये गुजरात में मतलब आप लोग कितने इनोवेटिव हैं। एक सिंबल बासुंदी, एक डिफरेंट मतलब गुजरात में देखा है, मैं जब भी आता हूँ लोग बोलते हैं और नया क्या, और क्या नया, हर बार कुछ ना कुछ नया मांगते हैं, फुल स्टॉक नहीं है। चाहे एक डिश होगी उसकी इतनी वैरायटी निकाल देंगे, उसके इतने फ्लेवर्स निकाल देंगे कि आप ताजुब करेंगे। वही देखिए, इसमें एक सिंपल बासुंदी के इतने सारे फ्लेवर्स आ गए, है ना। अभी अंगूरी खाते हैं। मैं तो केसर रसमलाई जो खाते हैं हम लोग, केसर अंगूर रबड़ी जो आपके इधर रसमलाई बोलते हैं, रसमलाई में वो बड़ा पीस आता है, वो भी हम बनाते हैं। ये रसभरी वाला है? हाँ ये रसभरी वाला।
ये आप टेस्ट करते हैं? हाँ, थावड़ी थावड़ी। ये एग्जैक्टली डोडा बर्फी जो होती है वो है, उस टाइप की बनती है। एग्जैक्टली वही टेक्सचर है इसका, जो ग्रैनुलर टेक्सचर होता है, साथ में घी और अच्छे से बुनाई करने के बाद बनाते हैं वैसा है। हल्का स्टिकीनेस भी है, ये मीठा बीच में ज़्यादा हो जाए। जो डोडा बर्फी आपके इधर बनाते हैं उसमें लोट का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब आटे का, ठीक है? इसमें आटे का नहीं किया जाता है, ओनली फॉर दूध और चीनी और घी। ये आपका बता रहे थे क्या है? काजू चोको पिज्जा। चोको सबसे ज़्यादा ये चल रहा है, ऊपर व्हाइट चॉकलेट है, अंदर जो काजू का जो हम सोन पापड़ी बनाते हैं वो हम काजू की सोन पापड़ी बनाते हैं। काजू को पहले पीस के फिर उसको पकाते हैं घी में, और चाशनी मिक्स करके चाशनी को भी पकाते हैं, जो हम चिगम नहीं बनाते, चिगम इस टाइप की चाशनी हो जाए बिल्कुल कड़क, उसके बाद इसमें मिक्स करते हैं चीनी की, फिर उसके बाद ये बनाते हैं सोन पापड़ी की, जैसे पकाते हैं हम लोग बनाते हैं उस तरीके का इसको बनाते हैं लच्छा, तो इसको काजू चोको पिज्जा बोलते हैं। उसमें से लेयर्स दिख रही है। हाँ, ये बहुत आइटम चल रही है अभी इस समय, और क्रंची भी बहुत है खाने में। रेसा जो इसके हैं इसको पकाने में थोड़ा दिक्कत होती है, ये खाने का टेस्ट बहुत अच्छा है। वाह, मुझे ऐसा लग रहा है मक्खन खा रहे हैं एकदम। हाँ, सॉफ्ट एकदम। इसमें भी चार पांच फ्लेवर बनाते हैं, कोई भी आइटम एक हम बाहर निकालते हैं तो उसकी पांच छह फ्लेवर हो जाती है साथ में, क्योंकि इधर के जो पब्लिक है वो कुछ ना कुछ नया मांगती है, एक फ्लेवर में उसको संतोष नहीं होता है। वो अगर थाली बनाया तो इसमें भी उसको तीन वेराइटी चाहिए। बहुत बढ़िया सर, मैं तो सुन के हैरान हूँ कि 900 प्लस वेराइटीज़ की मिठाइयाँ बनाते हैं। अच्छा प्रदीप भाई, खूब खूब आभार आपका और सभी राजकोट वासियों का भी, उन्होंने इतने अच्छे से हमारी मेहमान नवाजी की, जिन दुकान पे भी गए उन्हें बहुत प्रेम से हमें खिलाया भी, और खिलाने के साथ साथ मिठाइयाँ हो, नमकीन हो, फरसान हो, वो सब पैक करके भी दिया घर ले जाने के लिए। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। चलिए, और इसी के साथ हमारा राजकोट के जायके का सफ़र समाप्त हुआ। हम फिर मिलेंगे किसी नए शहर में नए जायकों के साथ, तब तक कीप वॉकिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। आज का क्या कार्यक्रम है? आज सुबह में सबसे पहले पोहा ट्राई करेंगे नाश्ते में, और यार की कचौड़ी ट्राई करेंगे, फिर आगे देखते हैं। पहले पोहा से आपका पराठा। आप सोचिए, गुजरात का जो पहला जो ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ, वहाँ पे यह प्रसाद जा रहा है। शिवरात्रि गुलकंद बाइट। बढ़िया भाई, चापड़ी रह जा, चापड़ी चाह नहीं पीना, बहुत ही अच्छा है, उम्दा काम है, जायका अच्छा है, और क्या नहीं था, सारूच है, सरस है, है ना, यहाँ के लोग मिलनसार हैं। करेक्शन कर रहे हैं, आउट्रो वो तो हो गया। आपके कैमरा मैन के लिए। वो मीठा नहीं खाता है। नहीं, ठीक है, शुगर फ्री है तो खाता नहीं है। मैं ले जाऊँगा। मजा लेंगे। ठीक है प्रदीप भाई, खूब खूब आभार, थैंक यू आपका। थैंक यू, फोन बंद कर लीजिएगा दोबारा से, बोले। अच्छा प्रदीप भाई, खूब खूब आभार आपका और आप पूरे राजकोट वासियों का, कि उन्होंने इतने अच्छे से मेहमान नवाजी की, इतनी सारी चीज़ें हमें खिलाई, और जहाँ भी गए वहाँ जाते जाते हमें एक एक डिब्बा जरूर खिलाए गए। फोन आपका ना, क्या बंद करो ना इसको, फिर तो आगे हो जाएगा इतना, फ्लाइट से गाड़ी छोड़ने जाएंगे हमें जय दुआ से। अच्छा प्रदीप जी, खूब खूब आभार, थैंक यू आपका और आपका भी और आप पूरे राजकोट वासियों का, जिन्होंने इतने अच्छे से हमारी मेहमान नवाजी की, और जहाँ भी हम लोग गए वहाँ पर हमें मतलब जाने के साथ साथ खाने के साथ साथ मिठाइयाँ छोड़वा।
आप कर लो बात आराम से। ओके कोई नहीं, हम लोग सह लास्ट ले लो। कितने बार उनको आभार करूँगा। चलो।